गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर ट्यूटोरियल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉर पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्रूक। लेट्स डिस्कस। पोएम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट जॉनल ब्रूक वॉज एन इंग्लिश पोएट नोन फॉर हिज आइडियलिस्टिक वॉर सोनेट्स रिटन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्पेशली द सोल्जर। रॉबर्ट जॉनल ब्रूक एक इंग्लिश पोएट थे जो कि अपने आइडियलिस्टिक वॉर सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि 1914 में लिखे गए थे। He was born on 3rd August 1887 and died on 23rd April 1915. उनका जन्म 3rd August 1887 को हुआ था और उनकी डेथ 23rd April 1915 को हुई थी। He was also known for his boyish good looks, which we are said to have prompted the Irish poet W.B. Yeats to describe him as a handsome young man in England. वो सिर्फ अपने वॉर पोएट्स के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि वो अपने गुड लुक्स के लिए भी जाने जाते हैं। उनको एक आयरिश पोएट जिनका नाम W.B. Yeats था, उन्होंने उनके बारे में द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा है। The washed by the river, blessed by son of home, in the hard pace, under an English heaven, the soldier was the last five poem of Brooke Ward Sonnet about the start of the World War First. World War First जो कि 1914 में हुआ था, उस वक्त उन्होंने पांच ग्रेट सनेट्स लिखे थे, पांच ग्रेट वॉर सनेट्स लिखे थे, जिनके नाम द वॉश्ड बाय द रिवर, ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, इन द हार्ट्स ऑफ पीस, अंडर एन इंग्लिश हेवन और द सोल्जर है। अब आइए हम पोयम के बारे में कुछ जान लेते हैं। द सोल्जर इज अ पैट्रियार्कल सनेट। इट इज स्प्लिट इनटू द टू स्टैंजा एंड ऑक्टेव फॉलोड बाय अ सिस्टेट। ये जो पोयम है द सोल्जर, ये एक पैट्रियार्कल सनेट है जो कि टू स्टैंजा में डिवाइड की गई है। जो पहली स्टैंजा है वो कि 8 लाइन ऑक्टेव है, और जो सेकेंड लाइन है जो कि सेकेंड स्टैंजा है वो एक सिस्टेट है। Written during the first year of the First World War, 1914, it is deeply patriotic and idealistic poem that expresses the soldier love for his homeland, in this case England, which is portrayed as a kind of nurturing paradise. ये जो poem है वो 1914 में लिखी गई है, ये एक patriotic poem है, और इसमें जो है poet अपना जो love है अपने homeland के लिए, England के लिए, उसको express करता है, और उसने England को जो है एक पैराडाइज के रूप में क्या किया है, इस पोएम में पोर्ट्रे किया है। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज डेथ एंड पैट्रियटिज्म। इस पोएम की जो मेन थीम है वो डेथ और देशभक्ति है। Rhyming scheme of the poem is ABAB, CDCD, EFEF and the final rhyming couplet is GG. ये पोएम की जो पहली स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी सी डी सी डी, और जो दूसरी स्टैंजा है उसकी राइमिंग स्कीम ई एफ ई एफ, और लास्ट के जो दो कॉपलेट हैं उनकी राइमिंग स्कीम जी जी है। नाउ मूव टू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। इफ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना। दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। जिस जगह पर मैं मरूंगा या जिस जगह पे मुझे दफनाया जाएगा, वो जगह भले ही इंग्लैंड से कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो, पर वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। There shall be in the rich earth a richer dust concealed, और वो जगह जहाँ पर मुझे दफनाया जाएगा वो जगह और भी ज्यादा कीमती और जरखेज हो जाएगी, वो जगह और भी ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि उस जगह पे मुझे दफनाया जाएगा। A dust whom England bore, shaped, made aware। पोएट यहाँ पर अपने बारे में कहते हैं और कहते हैं कि इंग्लैंड ने मुझे, इंग्लैंड की मिट्टी ने क्या किया है, मुझे जन्म दिया है, मुझे शेप दिया है। गिव वंस हर फ्लावर टू लव, टू वे टू रोम,
और यहाँ पर पोएट फिर अपने कंट्री को जो है संबोधित करते हैं और कहते हैं कि इंग्लैंड ने, मेरे देश ने मुझे वो फ्लावर्स दिए हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ और मुझे घूमने की आज़ादी दी है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लैंड एयर, मेरा जो बॉडी है वो इंग्लैंड का है और मैं उसी मिट्टी में, उसी की हवा में क्या करता हूँ, मैं सांस लेता हूँ। वॉश्ड बाय द रिवर, ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, और वहां की जो नदियां हैं मैं उसमें नहाया हूँ, उसने मुझे साफ किया है। एंड ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, और मेरे देश में जो सूरज निकलता है उसने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पोएट ने बहुत ही, मतलब अपना जो उसका फीलिंग है, जो उसका लव है, जो उसका इमोशन है अपने देश के बारे में यहाँ पर उसने बताया है। भले ही पोएट जो है वो देश से कितना भी दूरी पर है, पर उसका दिल जो है वो इंग्लैंड में ही अटका हुआ है, और उसका जो लव है इंग्लैंड के लिए उसको बहुत ही खूबसूरती से जो है इस पूरे स्टैंजा में पोएट ने एक्सप्रेस किया है। नाउ मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल शेड अवे, और इतना ही सोचना, इतना कोई एक ऐसा तरीका बताना कि जिससे मेरे दिल में जो ये बुराई है वो खत्म हो जाए। अ पर्सन इंटरनल माइंड नो लेस, और जो ये जो मेरा इंटरनल, जो ये जो चेतना है, ये जो मेरी चाहत है, ये जो लव है मेरा मेरे देश के लिए, वो हमेशा मेरे मरने के बाद भी ऐसा ही रहे। गिव समवेयर बैक टू द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और ये जो सोच है जो मुझे मेरे देश ने दी है, जो मुझे मेरे कंट्री ने दी है, मैं ये सोच अपने देश को लौटा दूंगा। हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम हैप्पी एज डे, और ये जो नज़ारे, ये खूबसूरत नज़ारे जो मुझे मेरे देश ने दिए हैं, ये जो खूबसूरत आवाज़ें हैं जो मुझे मेरे देश ने दी है, वो मैं अपने देश को लौटा दूंगा। ड्रीम्स हैप्पी एज द डे, और जो मेरे देश के सपने हैं, जो खुशियों से बड़े सपने हैं, उन्हें भी मैं क्या करूंगा, लौटा दूंगा। एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड एंड जेंटलनेस, और ये जो हंसी है, ये जो खुशी है जो मैंने अपने दोस्तों से सीखी है, वो भी मैं उसे लौटा दूंगा। एंड जेंटलनेस इन द हार्ट एट पीस, और ये जो कोमलता है, ये जो जेंटलनेस है, वो मेरे देश के लोगों के दिलों में है, और इसे भी मैं लौटा दूंगा अंडर एन इंग्लिश हेवन, और इन सब को लौटाने के बाद मैं इंग्लिश के हेवन में चला जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पोएट कितना ज्यादा अपने देश से प्यार करता है, कितना ज्यादा उसकी, मतलब अपने कंट्री की हर एक चीज को याद करता है, हर एक बात को याद करता है, अपने दोस्तों को याद करता है, अपनी जगह के फूलों को याद करता है, उसकी मिट्टी को याद करता है। दिस पोयम वॉज वेरी फेमस इन 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये पोयम बहुत ही फेमस थी। दोस्तों, मैंने अपने हिसाब से जहाँ तक मैं कर सकती थी वहाँ तक मैंने इस पोयम को समझाने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। फिर भी कहीं पे अगर कुछ कसक रह गई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि मैं बहुत दिनों से वीडियोज नहीं बना रही हूँ। स्टूडेंट्स, मैं बहुत परेशान थी। माई हस्बैंड वॉज डायग्नोस्ड विथ फोर्थ स्टेज लंग कैंसर, और उनको जो लंग कैंसर है वो बहुत ही रेयरेस्ट लंग कैंसर है। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सब से मेरी इल्तिजा है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।